एवरीवन, वेलकम टू प्रीजा खान न्यू ब्रांड व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मेरे सोने ते मीठे व्यूअर्स। तो चलते हैं मेरे आज के व्लॉग की तरफ और देखते हैं कि मेरे आज के व्लॉग में रैंडमली क्या क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। पहले तो मेरे सामने ना वो बंदे हैं जो कहते थे कि धूप निकले, ये निकली हुई है धूप। और बेसिकली हम वो लोग हैं जो ना धूप बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। वो लोग भी तो हैं जहाँ मतलब साल के कुछ ऐसे डेज होते हैं जहाँ पर धूप निकलती है, और जिस दिन धूप निकलती है मेरे ख्याल से उसको उस दिन ईद वाला दिन होता होगा, क्योंकि वो उस दिन ईद मनाते होंगे। और हम ना शुक्र हैं कि यहाँ पर मतलब धूप भी निकल आती है, मतलब गर्मियाँ भी आ जाती हैं, सर्दियाँ भी आ जाती हैं, और हम मतलब दोनों जो वेदर होते हैं तो हम दोनों चीज़ों से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। और ये बेला पाक का हम लोगों पे लाख लाख करम है। तेरी बाहों में आसा उलझा दिया। हाँ, मेरे फ्रेंड दे ऐसा क्यों बदल ली धंधरो। अम्मी जी भी साड़ी तू उन्हें घर मैंने ओके डी पुले पता नहीं वो देखते हैं हमारे व्लॉग, बल्कि आप बहुत अच्छी हैं। और आप अगर हमें दोबारा इनवाइट करना चाहें तो आप हमें इनवाइट कर सकती हैं। नहीं, उसने तो बोला था बात। मेरा दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी लोकेशन पे जाने का दोबारा। आप हमारे लोग देख रही हैं तो आप देख रहे होंगे, है ना। अब हमें दोबारा इनवाइट करें, हम आना चाहते हैं दोबारा आपकी तरफ, और हम अपना व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और अच्छा, मेरी सवाल से मुझे याद आया, ना ऐसे गाँव गए थे नानी वगैरह का घर, और ना उनके ना घर ना बेर लगी हुई थी, उनके ना इतने बड़े बड़े बेर थे, और हम ना खाने के लिए गए, वो तोड़ने नहीं देते थे, वो कहते थे नहीं भाई नहीं तोड़ने। तो हमने हम तीन बहनें थी और एक कज़िन थी, हमने उन्हें पता क्या कहा, हमने उन्हें कहा कि ना हम ना बैंक से आए हुए आप लोगों को कर्ज़ा बनाने के लिए। और आप लोग मतलब अपनी सारी चीज़ें लेकर आए, और वो मतलब गाँव वाले लोग भोले भाले होते हैं, वो अंदर गए, हमने उनकी सारी बेर तोड़ी। तो जब हम गिरे थे हम सारे एक दूसरे के ऊपर थे, लेकिन हमने अपने बेर जो थे ना वो नहीं छोड़े थे, वो हम लेकर आए थे, हमने अपनी पोटलियों हमने ना ऐसी पोटलियाँ बनाई थी, पोटलियाँ उनमें सारी डाल के और उनको गिरा वगैरह लगा कर हमने मजबूती से, हमने कहा कुछ भी हो जाए जान चली जाए, बेर हमने आज खाने आया भाई। हम मेरे पीछे देखें रास्ता खुला ही खुला रास्ता, हम वहाँ से मतलब जहाँ पर ये वाली जगह एंड होते ना वहाँ पर उसके आगे थोड़ा सा हमारा घर। तो हम आए हुए हैं बाहर क्योंकि मतलब अम्मी की यहाँ पर एक फ्रेंड है, उनके घर से कुछ सामान हमने उठाना था। तो अम्मी पहले जा रही थी भैया के साथ, फिर हमने कहा कि नहीं नहीं ये मेरे साथ खड़ा ही है, कैंसिल भी कर लेंगे। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं अम्मी आप ना जाए, मतलब हम जाते हैं, हम बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम आ गए। और यहाँ का जो सिस्टर को मैंने कहा कि चलते हैं, और सिस्टर ने फिर निकाली अपनी सुपरा हाँ दो एक टांग वाली, और हम आ गए बाहर। और हमें आपको यहाँ का पहले ना व्यू दिखाते हैं, व्यू चेक। और मतलब हमारा जो घर है वो उस साइड पे हो जाता है, और ये वाली जो साइड है ये इस मतलब हमारे घर की इधर वाली साइड है। अच्छा, हम जैसे इनके घर इंटर हुए ना तो इन्होंने हमें देख कर ना सबसे पहले ना चाय बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा वाह भाई, ऐसे तो शौकीन है चाय दे, ऐसे तक चाय कितने भी नीचे छुड़ेंगे। इसके अंदर अब हम भरेंगे पानी, इसको क्या बुलाते हैं, मटका मटका मटका। फिर हम ये पानी किसको पिलाएंगे, खाला कोई पिला बरू पानी आप नहीं काम कौन नहीं छोड़ता, मेरे को मेरे हाथ जो है कोना पे हुए। बहुत है ना, हाँ बहुत। तो इसको उठा सकती हो, उठा रही। ये कपड़े खराब थे वैसे। अच्छा खैर, चलो हमने ये भर लिया। ये तो तुम प्योर देसी विलेज की लड़की लग रही हो। हाँ चलो, अब चलो हम ये बकरियों को डालने जा रहे हैं। ये बकरियां पानी पियेंगी, इसमें कहाँ पियेंगी, तो वो किसमें पीती है, इसमें नहीं पीती वो। ओ क्या हुआ, इसी में पियेंगी पानी। मम्मी खाला आ गए जो नगड़ा जा गए।
खाला की बकरियां कहां है? बकरियां नहीं है, खाला की भैंसे हैं। मजूले घर घर चाय मिल दे सब सुन खाला खाला कहना है वो तो रख दो बस। अम्मी को आगे जोगी सब गड़ा नहीं दिखाया वाला के मुन्नू क्या याद करे सब गड़ा पानी में हो वाला है। अम्मी और यहाँ पर हमें नज़र आ गया ट्यूबवेल। हमने कहा भाई एक ट्यूबवेल चल रहा और हम जाए ना तो हम पहुँच गए वहाँ पर। इनकी ऐसी बातें छिड़ी हुई हैं जैसे ये वो जन्मों की बिछड़ी हुई औरतें ना मिल गई हो। जैसे सच कहते दो औरतें साथ बैठी हो ना तो वो कभी भी खामोश नहीं रह सकती कभी भी। खैर परा तो गए एक ट्यूबवेल के चक्कर में। ये जगह देखें बस ये देखें एक प्यारी लग रही है। चल गई है मेरी अम्मी को पता मैं छोड़ना तो नहीं है। ये बहुत अजीब जगह है हम गिर भी सकते हैं यहाँ से। हम पहुंच गए अपनी राह मंजिल पर। टंटड़ा इतना मुंह से पानी पे छटा छटा मारना था वो लिया है मार। अब हम जा रहे हैं घर। तो ये था आज मेरा रैंडमली सारा दिन। बिल्कुल नहीं सोचा था कि मतलब आज का जो दिन है वो इतना रैंडमली और इतना अच्छा होगा। मुझे बहुत मज़ा आया आज का दिन आज के दिन क्योंकि मतलब अगर हम पूरा दिन एक खामोशी तैयार करके और ख़ुद को डिप्रेस करके बैठे रहें तो वो चीज़ वैसे ही हम पे उसने असर करना है। अगर हम खुद ही अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशी नहीं लाएंगे खुद ही थोड़ी बहुत एफर्ट नहीं करेंगे तो मतलब हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में खुद ही छोटी छोटी खुशियों की वजह बने खुद को आगे लेकर चले और ज़्यादा मत सोचें। और क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है अगर ये हाथों से निकल गई तो फिर हम जब ये निकल गई ना फिर हम कहेंगे हाँ यार वो वाला जो वक्त था ना वो बहुत अच्छा था। तो इसलिए इससे बेहतर है कि जो वक्त है हम उसको ही अच्छे से क्यों ना हम उसी को ही अच्छे से जिए जैसे हम जी सकते हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहाँ पर ही हम एंड करते हैं। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा क्योंकि अब शाम हो चुकी है। देखिए यूँ तो आपको नहीं पता चलेगा यूँ भी नहीं चलेगा पता खैर वैसे कैमरे में नहीं पता चल रहा वैसे शाम हो रही है सीरियसली और मेरे इस टाइम जो ड्रेस है वो सारा गीला हो चुका है मेरी हिम्मत नहीं हो रही मुझे ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग की करती हूँ एंडिंग। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुश रहें खुशियाँ बांटें और हंसते रहें मुस्कुराते रहें हमेशा। अल्लाह हाफिज़।